हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बनारसी जायका में। जब हमने झटपट कभी समझ में आया कि नाश्ता क्या बनाए, तो आप ज़रूर ये वाला आलू दम ट्राई करिएगा। ये बहुत ही जल्दी बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 4 बड़े आलू लिए हैं, उबले हुए। इन्हें बड़े टुकड़ों में काट लिया है। आलू बॉयल करते वक्त मैंने थोड़ा नमक भी डाला था, इससे इसके अंदर अच्छे से आलू में नमक घुस जाए। उसके बाद बाकी सब्जी बनाते वक्त भी मैं ये आलू में नमक डालूंगी। मैंने थोड़ा ये अदरक और लहसुन मिर्च और लहसुन लिया है। इसको मैं दरदरा पीसूंगी और थोड़ा धनिया। लहसुन देखिए 10 से 12 कलियां हैं, और अपनी मर्जी के हिसाब से आपको जितना तीखा चाहिए। हरी मिर्च है, लेकिन मैंने उसे लाल मिर्च में लिया है। इसे बहुत टेस्टी लगता है। अपने स्वाद अनुसार तीखा या कम मिर्च आप ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने इसे दरदरा ही पीसा है। वे कढ़ाई में सरसों का तेल लेंगे, करीब 1 बड़ा चम्मच। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पचफोरन और तेज पत्ते का तड़का लगाएंगे। फिर ये जो पेस्ट तैयार किया था हमने दरदरा, उसे इसमें मिक्स करेंगे। 1 से 2 सेकंड के लिए धीमी आंच पे भूनेंगे। 1 छोटी चम्मच हल्दी डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और फिर ये आलू को मिक्स कर देंगे। अच्छे से चलाने के बाद इसे मिक्स कीजिए और धीमी आंच पर पकने दीजिए। हमें इसमें कोई भी पानी वानी यूज़ नहीं करना है, बस धीमी आंच पर अच्छे से ढक दीजिए। ये देखिए, करीब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और हमारा आलू देखते हैं नीचे से एकदम लाल हो रहा है। मैं ऐसे फिर से ढक कर थोड़ी देर के और पकाना है। ये देखिए, लगभग 2 से 3 मिनट और हो चुके हैं और हमारे आलू अच्छे से एकदम करारे टाइप के हो गए हैं। बस अब हमें गैस बंद करना है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा चाट मसाला भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें धनिया डालेंगे। बस हमारा आलू दम बनकर तैयार है। आप इसे पूरी पराठा के साथ खाइए, चाहे ऐसे ही खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो देखिए कितनी टेस्टी हमारे आलू दम बनकर तैयार हुए हैं। इसे आप मिनटों में बनाइए, खुद भी खाइए और सबको खिलाइए। और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।